सुप्रभातम बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने अपने बीए पार्ट फर्स्ट लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करते हुए कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। संज्ञा क्या थी और विशिष्ट सूत्र संज्ञा के लिए जो निर्धारित थे उनका अध्ययन किया था। आज अपन जो वर्ण हैं, अपन ने बहुत पहले अध्ययन किया था कि व्याकरण ध्वनि शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, शब्दों में वर्ण होते हैं और वर्णों में उच्चारण होता है, ध्वनि होती है, और ये सारी प्रक्रिया हमारी श्वास के ऊपर निर्भर करती है। अब उच्चारण के आधार पे हमने सामान्य रूप से ये पढ़ा है कि वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, ये बात सही है, अधिकांश वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, लेकिन कुछ वर्ण मुख के साथ साथ नासिका की सहायता से भी उच्चारित होते हैं। कहने का अभिप्राय, कुछ वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका की सहायता से किया जाता है और उन्हें अनुनासिक कहते हैं। कई बार न्यू टाइप का दो नंबर का क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में बन जाता है प्रश्न पत्र में कि अनुनासिक किसे कहते हैं। उसका एक सामान्य सा सूत्र हमारे यहाँ दिया है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका की सहायता से किया जाता है, मुख नासिका वचनो वचन बोलना उच्चारण करना, जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका की सहायता से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। सारे स्वर अच प्रत्याहार के सारे वर्ण अनुनासिक होते हैं, और इसके अलावा यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार में य म ग ण न, ये पांच वर्ण होते हैं, य म ग ण न, इन पांचों वर्ण भी अनुनासिक होते हैं। कहने का अभिप्राय, इन वर्णों का अपना मूल उच्चारण स्थान तो होता ही है, इसके साथ साथ नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होता है। अब हमारे यहाँ अ ई उ री, ये चार जो स्वर वर्ण हैं ये 18 प्रकार के हो जाएंगे, ली वर्ण है वो 12 प्रकार का हो जाएगा क्योंकि ली का दीर्घ नहीं होता है, और ए ओ आई औ मानी एंग, एच प्रत्याहार ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार के वर्ण 12 प्रकार के हो जाएंगे क्योंकि इनका रहस्य नहीं होता है। तो कहने का मतलब सारे स्वर और यम प्रत्याहार के वर्ण क्या हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। इसके साथ में अगला सूत्र हमारा है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात सब वर्णों का उच्चारण हमारे मुख से होते हैं लेकिन मुख के अंदर अलग अलग उच्चारण स्थान हैं, तो वो चार हैं अंदर और ओष्ट बाहर आ जाता है, तो उच्चारण स्थान तालु दंत कंठ मूर्धा आदि उच्चारण स्थान है। तो इन उच्चारण स्थान मानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु दंत कंठ मूर्धा आदि स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न, तथा अभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के जिन जिन वर्णों के समान होते हैं तुल्य होते हैं वह पूरा वर्ण समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। सवर्ण का मतलब समान वर्ण की संज्ञा होती है। आगे चल करके अपन पढ़ेंगे कि वर्ण का उच्चारण करते समय जो प्रयत्न किया जाता है वह दो प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रयत्न और एक आभ्यंतर प्रयत्न। तो यह कहता है कि वर्ण के उच्चारण स्थान, अंत उच्चारण स्थान तालु कंठ मूर्धा दंत आदि, और अभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के जिस जिस वर्ण के साथ होते हैं, समान होते हैं, तुल्य होते हैं, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। अब कौन, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें सामान्य व्यवहार में भी ये जानकारी होनी चाहिए। पाणिनि अपने आप में एक वैज्ञानिक था,
और हमें वर्णों का उच्चारण करते समय किस प्रकार से, कहाँ से, कौन सा वर्ण किस ढंग से उच्चारित होता है, इसका बहुत ही सुव्यवहारिक रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो कौन कौन से वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं, इनकी एक तालिका हमारे सामने आती है। सूत्र रूप में हम इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। पहला सूत्र है री द्री वर्णयो मिथः सवर्ण्यम वाच्यम। ये पाणिनि ने इनका वर्णन नहीं किया था, लेकिन वार्तिककार ने इनको समझाने का प्रयास किया है कि ऋकार रिवर्ण 18 प्रकार का और ऋकार 12 प्रकार का, ऋकार और ऋकार दोनों वर्णों की परस्पर क्या है, सवर्ण संज्ञा माननी चाहिए। क्योंकि इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा मानेंगे तभी आगे चलकर के अपन तवल्लकार जैसे रूप की सिद्धि कर पाएंगे। तो रिवर्ण और ऋवर्ण, संस्कृत में कार शब्द का प्रयोग करेंगे, कार का मतलब होता है वर्ण अक्षर। ऋकार और ऋकार, रिवर्ण और ऋवर्ण, इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ये दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक मानने चाहिए, ऐसा वाच्यम माने वार्तिककार का मानना है। आगे और कहाँ कहाँ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो नंबर एक अकूह विसर्जनीया नाम कंठ है। अकूह अ मानी अवर्ण, कुह मानी क वर्ग, क वर्ग का वाला क ख ग घ, अवर्ण क वर्ग और विसर्जनियाना है वर्ण, हकार हकार मानी है वर्ण, और विसर्जनियाना मानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अवर्ण 18 प्रकार का होता है, अपन इनका विवेचन करेंगे, जानेंगे कि पहले अपन ने पढ़ा था स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर 3 भेद उद्दात अनुदात और स्वरित, फिर 2 भेद अनुनासिक और अनुनासिक, और इस प्रकार से प्रत्येक स्वर कितने प्रकार का हो जाएगा, 18 प्रकार का। तो अवर्ण 18 प्रकार का, क वर्ग 5, 18 और 5 23, ह वर्ण 24 और विसर्ग 25। इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो एक बार सूत्र रूप में याद रखें, संक्षिप्त याद रखें, अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, अवर्ण क वर्ग हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचु यशा नाम तालुह ईवर्ण चु च वर्ग च छ ज झ ञ और यकार श शकार, ईवर्ण चैवर्ग यकार और शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है, तालवा जिसे बोलते हैं वह होता है। ई 18 प्रकार का, चैवर्ग में 5 वर्ण 18 और 5 23, य वर्ण यकार है वो 2 प्रकार का होता है, अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो 18 5 23 तो 25 और शकार माने श वर्ण 26। इस प्रकार से इन 26 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसानाम मूर्धा रिवर्ण ट वर्ग, ऋतु रिवर्ण ट वर्ग, रसानाम रकार और सकार, रिवर्ण ट वर्ग ट ठ ड ढ ण और रकार रवर्ण और सकार जिसे षटकोण वाला से कहते हैं, मूर्धन्य सकार कहते हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा कहने का मतलब रिवर्ण 18 प्रकार का, ट वर्ग 5 प्रकार 18 और 5 23, र 24 और स 25, इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर ऋतु लसा नाम दंत लि 12 प्रकार का, तु त वर्ग त थ द ध न, तो और लकार 2 प्रकार का, अनुनासिक और अनअनुनासिक, ल और ल, इस प्रकार से 2 प्रकार का, और सकार स वर्ण, तो लृवर्ण त वर्ग लकार और सकार, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है।
लृ वर्ण 12 प्रकार का, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता है, तो लृ वर्ण 12 प्रकार का। त वर्ग त थ द ध न 5 प्रकार का, और लकार 2 प्रकार का, और सकार 1 प्रकार का। इस प्रकार से 12, 5 17, 2 19 और 1 सकार 20, इन 20 वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होते हैं। अर्थात कुछ अपन ने जाना है कि कंठ किन का उच्चारण स्थान होता है, तालु किन का उच्चारण स्थान होता है, मूर्धा किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, और दंत किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा भी वर्णमाला के अन्य वर्णों का उच्चारण स्थान अभी औष्ण है, अन्य दो दो स्थान मिलकर के भी एक एक वर्ण का उच्चारण करते हैं, उनका विस्तृत विवेचन अपन आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।